ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो बताया है, इस पर चर्चा होते रहती है कि मोदी ब्रांड जो है इसके बहुत सारे डायमेंशन है। उसको देखने वाला, उसको जो ग्रहण करने वाला है वो अपने अपने हिसाब से उसको देखता है। महाराष्ट्र में इस ब्रांड का कौन सा साइड है जो आपको लगता है कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो उसको सामने रखते हैं, या वो ज्यादा अपील कर रहा है यहाँ के लोगों को? देखिए, महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री ये ब्रांड है, क्योंकि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में बना है उस पर मोदी जी की छाप है, जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा चला है उस पर मोदी जी की छाप है, जिस प्रकार से महिलाओं को अधिकारिता मिली है उस पर मोदी जी की छाप है, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं तैयार हुई है उस पर मोदी जी की छाप है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कोई तबका नहीं है कि जो अछूता हो मोदी जी के ब्रांड से। इसलिए 2014 में 2019 में हमने 40 पार कर लिया और इस बार भी हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 40 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आपका ये कहना है? बिल्कुल तोड़ेंगे। ओपिनियन पोल में जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उसमें इस स्टेट को लेकर बड़ा डिबेट है। एक तरफ कोई 26 दे रहा है, दूसरी तरफ कोई 41 दे रहा है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पंडित कभी कभी गलती ये करते हैं कि हर चुनाव को वो अर्थमेटिक समझते हैं और फिर हम तीन पार्टियां वो तीन पार्टियां इनका वो इनको कितने मिलेंगे इनको कितने मिलेंगे ऐसा एक अपना गणित लगाते हैं और उसको प्लस करते हैं। ये चुनाव पॉलिटिकल अर्थमेटिक का चुनाव नहीं है, ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री का चुनाव है। पॉलिटिकल अर्थमेटिक में 1+1 2 होता है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री में 1+1 11 होता है। इसमें जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो मोदी जी के साथ आम आदमी की केमिस्ट्री जुड़ी हुई है, इसलिए कोई पॉलिटिकल पंडित इस बात को भाप नहीं पा रहा है, नहीं पाएगा। मैं ये कहता हूं कि जो लोग हमको 26 सीटें 28 सीटें 30 सीटें देते हैं वो लोग आज ही करेक्शन कर रहे हैं।